हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ इवनिंग स्नैक्स के लिए चटपटी कॉर्न। तो मैंने यहाँ पर कॉर्न को उबाल कर रख लिया है, आप भी कॉर्न को उबाल कर रख लीजिए। फिर हमें यहाँ पर लेना है थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, मिर्ची, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, यहाँ पे मीट मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। तो आइए अब बनाते हैं हम चटपटी कॉर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा कढ़ाई पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, फ्लेवर के लिए है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये उबली हुई कॉर्न। अब कॉर्न को डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा, थोड़ी ही देर, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो आते रहे। आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम ही रखें। मीडियम रखते हुए बीच बीच में इसको थोड़ा चलाते रहिए। चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, रेड चिली पाउडर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर और नमक जो है वो डाल दिया है। चुटकी भर नमक ही डालना है क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉयल करते समय ही कॉर्न में थोड़ा सा नमक दे दिया था। हल्दी का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब जो है मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। अब हाई करने के बाद थोड़ी देर इसको भूनना है थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। अब 2 मिनट या 3 मिनट तक इसे भूनने के बाद आप इसमें कटे हुए प्याज और मिर्ची जो है वो मिक्स कर दीजिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। इस तरीके से चलाते रहिए इसको जब तक कि थोड़ा सा ये गोल्डन कलर ना आ जाए प्याज का, तब तक इसको भूनना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अभी इवनिंग स्नैक्स के लिए ये बिल्कुल एकदम सही जो है वो चीज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ये मीट मसाला फ्लेवर के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये चटपटी कॉर्न बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आप चाहे तो ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। इस तरीके से नींबू को निचोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी चटपटी कॉर्न जो है वो तैयार हो चुके हैं। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।